सबको याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा, परसों आएगा। जनता गवाह, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्य की राजनीति करी और मैंने हमेशा कहा और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उठा सकता। सभी यहां उपस्थित पत्रकार बंधु 11 दिसंबर 2018 को पिछली विधानसभा का परिणाम आया। परिणाम स्पष्ट था, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई थी। 17 दिसंबर को मैंने शपथ ली, मुख्यमंत्री की शपथ ली और 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ। आज 20 मार्च है और ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था इन 15 महीनों में, मेरी क्या गलती थी? मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। जब मैं केंद्र में था, यूपीए सरकार में था, मैं मंत्री था, जिस भी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है। मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था, 5 साल का मौका दिया था प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिए, 5 साल का मौका दिया था कि प्रदेश की नई पहचान बने, प्रदेश पर विश्वास लोगों पर हो। मध्य प्रदेश की तुलना छोटे राज्यों से नहीं, मध्य प्रदेश की तुलना बड़े राज्यों से। और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले थे, आज तक मुझे 15 महीने मिले, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह है कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। आप सब जानते हैं कि महीने भर में जब हमारी सरकार बनी थी, जब हमारा मंत्रिमंडल बना था 25 दिसंबर 2018 को, हर 15 दिन कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये सरकार महीने भर की सरकार है, ये सरकार 15 दिन की सरकार है। कहते थे कि गणतंत्र दिवस में भी हम झंडा फहराएंगे। ये सब आप गवाह, पहले दिन से इन्होंने ये षड्यंत्र शुरू किया, फिर भी हमने अपना कार्य शुरू किया और हमारे आज 22 विधायकों को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबारों में उन्हें देखी है। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरी
पूरा प्रदेश इसका गवाह है। एक महाराज और उनके द्वारा तो काफी 22 लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़े ही समय में सबके सामने आ जाए। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोभियों और बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं चाहता था कि कांग्रेस महल में नहीं बल्कि महल कांग्रेस में आए, ताकि जनता शक्तिशाली बने। ये मेरी इच्छा है। कई बार पिछले 15 महीनों में हमने विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की। 3 दफे वोटिंग हमने अपनी बहुमत साबित की। हमने जब ये बहुमत साबित करी उनसे ये बर्दाश्त नहीं किया गया। मेरी सरकार को अस्थिर प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के साथ ये विश्वासघात हुआ है, और ये मैं दोहराना चाहता हूं, ये विश्वासघात मेरे साथ है, ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता थी कि प्रदेश एक नई दिशा में चल रहा है, प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बन रहा है, उनको ये चिंता थी और ये लगे रहे कि मेरे सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। 15 महीनों में हमने किसानों कृषि क्षेत्र में राहत पहुंचाने का प्रयास किया। 15 महीनों में 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे चरण में 7.5 लाख किसानों का कर्जा माफी की प्रक्रिया चालू है। 1 जून से हम कर्जा माफी की तीसरी चरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करने होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाकर प्रदेश में कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे किसानों की रोक लगी। किसानों के हक में के हित में हमने कई निर्णय किए। भाजपा ने हमारी सरकार के साथ षड्यंत्र कर उन्हीं सभी किसान भाइयों के साथ धोखा व विश्वासघात करने का प्रयास किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कभी सफल नहीं होगा। मेरा संकल्प है कि जहां भी रहे हमारे पास फल हो या नहीं हो, हम प्रदेश के हित, प्रदेश के हमारे नौजवान, प्रदेश के हमारे पिछड़ा वर्ग, हमारे कमजोर जातियां, प्रदेश के किसानों के हित के काम में हम लगे रहे। मैंने ये तय किया कि ये जो 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए, कौन से जाए 9 मार्च को 16 को ले गए, ये जांच में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहां थे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, और परसों आएगा जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा, और इसका कारण एक ही है।
जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और शौर्य की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्य की राजनीति करी, और मैंने हमेशा कहा और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर हक नहीं उठा सकता। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा कोई मेरे ऊपर हक नहीं उठा सका। मैंने तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कभी फोन नहीं किया, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी सिफारिश के लिए मैंने फोन नहीं किया। अगर मैंने किया तो छिंदवाड़ा के विकास के लिए किया, ये तो मैंने सदन में कहा था और इन मूल्यों का मैं पालन हमेशा करता रहूंगा। यही मेरी मजबूती है, यही मेरी शक्ति है। मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य, मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य का जो हमारा प्यार का संबंध है, प्यार का संबंध है, हम सब मिलकर आगे आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।